नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वराज ट्रैक्टर के एक ऐसे मॉडल के बारे में जो हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है और जाना जाता है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए। सबसे कम तेल खाने के लिए इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है। 35 HP कैटेगरी का ये ट्रैक्टर है। तो इस ट्रैक्टर के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे 1-to-1। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोज आप आगे भी देखते रहो। सो दोस्तों ये है स्वराज 834 XM। दोस्तों XM का मतलब है एक्स्ट्रा माइलेज, मतलब कम से कम डीजल की कंजप्शन, कम से कम डीजल की खपत हो और किसान पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसीलिए इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है। सो अगर मैं बात करूं दोस्तों इस ट्रैक्टर के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्वराज लिखा हुआ है, 834 XM का यहाँ पे ब्रांडिंग किया हुआ है। सो अगर इसके इंजन के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको 35 HP का इंजन मिल जाता है जो कि इनलाइन पंप के साथ आता है। 3-सिलेंडर इंजन है जो अपनी मैक्सिमम पावर 35 HP प्रोड्यूस करता है 1800 रेटेड RPM पे। दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो CC है वो है 2592 CC का इंजन आपको मिल जाता है इनलाइन पंप के साथ। और यहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं, ये आपका एयर फिल्टर दे रखा है जो कि आपको वही आपका ऑयल बाथ 3-स्टेज क्लीनिंग के साथ आपको देखने को मिल जाता है। और ये आपका यहाँ पे इसकी जो ऊपर का बॉडी है यानी कि मेटालिक बॉडी है, उसको ओपन करने के लिए आपको ये दो हैंडल दे रखे हैं। इनको ओपन करके आप पूरे ट्रैक्टर के इंजन की पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्या इसका पूरा इंजन में अंदर में है। और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर बात करी की जाए तो इधर आप देख सकते हैं ये 3 नॉजल आपको दे रखी है, इनलाइन पंप का सेटअप दे रखा है, और ये आपका ये रेडिएटर का पूरा सेटअप दे रखा है जो कि आपको ओवरफ्लो रिजर्वायर के साथ देखने को मिल जाता है। ये ट्रैक्टर आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग के साथ देखने को मिल जाता है, हालांकि पावर स्टीयरिंग में भी ये ट्रैक्टर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है वो आपको केवल सादा स्टीयरिंग में देखने को मिल रहा है। दोस्तों नीचे आपको डीजल फिल्टर दे रखे हैं, साथ में ये वाटर सेपरेटर दे रखा है। दोस्तों इस ट्रैक्टर की अगर डीजल टैंक कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 60 लीटर का डीजल टैंक देखने को मिल जाता है जो कि मेटालिक है, और इसीलिए इसमें वाटर सेपरेटर दे रखा है कि अगर डीजल में कभी पानी भी बन जाता है तो पानी वो वाटर सेपरेटर के जरिए आप इसको निकाल सकते हैं एक नट को खोल करके। अगर मैं बात करूँ दोस्तों ट्रैक्टर के टायर साइज के बारे में तो उसमें आपको जो आगे के टायर्स हैं वो 6-16 के मिल जाते हैं, और जो पीछे के टायर्स हैं वो 13-28 के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो गुडियर के टायर्स हैं आप देख सकते हैं पूरा। और अब दोस्तों मैं ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पर बैठ करके कैसा लुक दिखाई देता है वो मैं आपको लेके चलते हैं। हम लोग ट्रैक्टर के ड्राइवर सीट पर बैठ करके सिंगल स्टेप आपको चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दे रखा है कुछ इस तरीके का। और गियरबॉक्स के बारे में दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लच के बारे में, तो आपको सिंगल क्लच में ये ट्रैक्टर आता है। और गियरबॉक्स के बारे में बात करें तो उसमें आपको सिंक्रो मैस 8+2 का गियरबॉक्स मिल जाता है, मतलब 8 स्पीड आपको जो मिलती है वो फॉरवर्ड में मिल जाती हैं और 2 स्पीड आपको बैकवर्ड मिल जाती है। इस तरीके से यहाँ पे गियर्स के नोब दे रखे हैं, ये आपका 1, 2, 3, 4 गियर्स हो गए। इधर आपका लो हाई का लेवल नोब दे रखा है, तो इस तरीके से 8+2 का स्पीड आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें ट्रैक्टर के डैशबोर्ड के बारे में तो इस तरीके से कुछ वही आपको ट्रेडिशनल डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है जो पूरा का पूरा एनालॉग है, डिजिटल इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। इधर साइड में आपका फ्यूल मीटर हो गया, टेम्परेचर मीटर हो गया ये बैटरी के लिए, और ये आपका RPM और घंटे के लिए आपको मीटर दे रखा है। ये रेस हो गई, इधर आपका चाबी स्टार्ट ऑन ऑफ के लिए, हेडलाइट्स के कंट्रोल, और इस तरीके से आपको पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें ट्रैक्टर के ब्रेक्स के बारे में तो इसमें आपको मल्टी डिस्क ब्रेक तेल में डूबे हुए आपको ब्रेक मिल जाते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इधर आपका रेस का थ्रॉटल हो गया। अगर मैं बात करूँ उसके ड्राइवर सीट के राइट साइड में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये ADDC टाइप का पूरा इलेक्ट्रोमेटिक का सेटअप मिल जाता है पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है जिसमें आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी एक ऑप्शन दे रखा है, आप 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दे रखा है जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारे मोबाइल हमारी जेब से निकल के गिर जाते हैं जब हम खेत में काम कर रहे होते हैं, तो इसमें ये अच्छी चीज़ है कि आप इसमें रख के अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। आप दोस्तों देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या कुछ देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में हमारे लिए एक टूल बॉक्स देखने को मिलता है जो कि फाइबर का है, इसमें आप अपने बहुत सारे जो भी टूल्स होते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। तो उस तरीके से पूरा सेटअप देखने को मिल जाता है, और ये होता है ट्रैक्टर का ड्राइवर सीट पर बैठ करके पूरा व्यू देखने को मिलता है। तो अब मैं लेकर चलता हूँ आपको ट्रैक्टर के रेयर व्यू की तरफ, बैक साइड में देखते हैं क्या कुछ फीचर हमें देखने को मिलते हैं इस ट्रैक्टर के। और ये है दोस्तों इस ट्रैक्टर का रेयर व्यू। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे वही आपको ट्रेडिशनल मडगार्ड देखने को मिल जाते हैं, वही डिपर आपको देखने को मिल जाते हैं, सामने आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर दे रखा है, उसके नीचे आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड डबल ऑक्सिलरी बॉल दे रखे हैं जो इस कैटेगरी में बहुत मुश्किल होता है मिलना। आप किसी कंपनी में चले जाओ 35 HP कैटेगरी में डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कंपनी ने इसमें ये दे रखा है, ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। साथ में अगर बात करूँ दोस्तों इसमें आपको 3 पॉइंट सेंसिंग दे रखी है, अगर आप 3 तरह की सेंसिंग आपको दे रखी है, सॉफ्ट हार्ड मिट्टी के लिए और रोटावेटर के लिए।
तो ADDC टाइप का पूरा यहाँ पे सेंसोमेटिक पूरा सिस्टम दे रखा है, और उसके नीचे आपको यहाँ पे PTO का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। इसमें आपको केवल एक ही स्पीड मिल जाती है, 540 का PTO मिल जाता है, जो 540 चक्कर प्रोड्यूस करता है 1800 रेटेड RPM पे। दोस्तों ये जो ट्रैक्टर होता है अपने PTO पे जो HP निकाल के देता है, वो निकाल के देता है 29 HP का PTO आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका यहाँ पे टॉप लिंक हो गया, ये पूरा यहाँ पे स्टेब और दे रखे हैं, पूरा जो हमारा सिस्टम है पूरे जो पट्टे हैं उनको सेटअप करने के लिए इधर भी आपको स्टेप और दे रखा है पूरा का पूरा। दोस्तों बात करें इस ट्रैक्टर के बैक एक्सल के बारे में, तो आपको वही आपको स्ट्रेट एक्सल देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया होते हैं देखने में, और मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइफ होती है इनकी। देख सकते हैं ग्रीसिंग के पॉइंट भी दे रखे हैं इसमें, टाइम टू टाइम ग्रीसिंग होती है इनमें। तो ये जो एक्सल्स होते हैं इनमें कोई भी कैसी भी टेंशन वैसी नहीं होती है कि भाई टूट फूट हो गई या बैरिंग टूट गया या फिर तेल निकल रहा है आवाज़ कर रहा है, इस टाइप की दिक्कतें बहुत कम होती हैं स्ट्रेट एक्सल्स में। तो ये चीज़ भी अच्छी है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेक्स के लिए जो आपको ड्रम दे रखा है, ये ब्रेक्स के ड्रम है, मैंने आपको दिखाया था इधर लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी है। ये आपको 7-point सॉकेट दे रखा है, कभी अगर पीछे कोई इंप्लीमेंट अगर लगाते हैं ट्रॉली पे तो वो भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये आपको पूरा सेटअप दे रखा है। ड्राइवर सीट पे यहाँ पे बोतल होल्डर दे रखी है, आप 2 लीटर की बोतल इस पे लगा सकते हैं। सो दोस्तों ये है पूरा ट्रैक्टर का बैक प्रोफाइल, और अब मैं एक बार और आपको ट्रैक्टर का पूरा जो है वॉक अराउंड दिखा देता हूँ इस तरीके से। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ उस ट्रैक्टर के ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ये ट्रैक्टर आपको अप्रॉक्सीमेटली लगभग मैं बता देता हूँ आपको लगभग 5 लाख रुपए का आपको मिल जाएगा। अगर आपको उस ट्रैक्टर के बारे में कुछ भी पूछना है तो मैं डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूँगा, वहाँ पे आप उनसे जो यहाँ के शोरूम के ओनर मतलब कि जहाँ पे शोरूम के जो ओनर हैं उनसे बात करके आप इस ट्रैक्टर की और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया पूरा वीडियो 834 HM का। अगर आपको कोई भी सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।